दिन ब दिन पंजाब विच वध रहे करोना केसां दे मद्देनज़र सरकार वल्लों कई गाइडलाइनस जारी कीतियां गईयां हन। इन्हां गाइडलाइनस दे तहत पंजाब सरकार वल्लों राज दे सारे म्यूजियम्स अते मोनूमेंट्स बंद करन दे आदेश जारी कीते गए हन। इस संबंध विच टाउन हॉल विखे स्थित इंडो पाकिस्तान पार्टीशन म्यूजियम 10 अप्रैल तक लोगों लई बंद कर दिता गया है। इत्थे वर्णनयोग है कि कई लोग जद इंडो पाकिस्तान पार्टीशन म्यूजियम देखण आउंदे हन तो इस दे बंद होने ते उन्हां नूं काफ़ी निराशा आउंदी है। म्यूजियम दे प्रबंधकां दा आखना है कि हाले तक तो 10 अप्रैल तक म्यूजियम नूं बंद रखण दे निर्देश हन, बाकी सरकार दे आने वाले निर्देशों ते निर्भर होवेगा। हुण जिहड़े केसिस कह रहे हैं कि वध रहे हैं, सो उन्हूं लै के पंजाब दे विच जिन्ने म्यूजियम्स है उन्हां नूं बंद करन दे सानूं सरकार वल्लों ही ऑर्डरस आए हुए हैं 10 तरीक तक। लोक साढ़े को रोज़ बहुत पुछन आते हैं, रोज़ दे साडा मतलब असी तो म्यूजियम के इतने होईदा, सो असी रोज़ वेखीदा, साढ़े को बहुत ज़्यादा लोग पूछन आते हैं कि म्यूजियम बंद है कि वह बंद है, फिर उन्होंने दसना पैंदा है कि जिहड़े केसिस वध रहे उहदे करके म्यूजियम बंद किया होया। पिछला साल पूरा साल ही बंद रहा, जब तक लॉकडाउन रहा उद तक म्यूजियम बंद ही रहा, उहदे विच साडे फुटफॉल बहुत वधिया आया सी, बहुत ही वधिया लोग साडे को आंदे रहे सी, साडे को मतलब जिन्ने पहला आंदे सी, पहला तो साडा इह सीजन हुंदा सी इहदे विच रोज़ 2000 लोग आंदे सी, उन्ने तो नहीं आ रहे बट फिर भी साढ़े को बहुत वधिया क्वांटिटी दे विच लोग आ रहे से। एक तो साडा म्यूजियम बंद है, एक इंटरप्रिटेशन सेंटर है वह बंद हैगा है, हाँ जी, एक गोबिंदगढ़ फोर्ट बंद है, फिर विरासत खालसा भी बंद है। करोना की दूसरी वेव में देखते हुए पंजाब च दिन ब दिन करोना के केसिस बढ़ रहे हैं, सो पंजाब सरकार वालों ये हिदायत की गई है कि पंजाब के जिन्हें भी म्यूजियम ने वह 10 अप्रैल तक बंद किए गए हैं। सो इस वेले मौजूद हैं इंडो पाकिस्तान पार्टीशन म्यूजियम टाउन हॉल विखे जिला कि 10 अप्रैल तक बंद कर दिया गया, और इतों के प्रबंधक का आखना है कि बंद होने के बावजूद वही गिनती लोग इतने आते हैं, तो उन्होंने आख्या जा रहा है कि 10 अप्रैल तक म्यूजियम बंद है। सो ये पंजाब सरकार की हिदायत है, और आप सब भी अगर बेनती है कि करोना को लेकर पंजाब सरकार की हिदायतों की पालना की जाए। कैमरामैन राकेश कुमार, संदीप सियाल, फास्ट न्यूज़ अमृतसर।